हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ केयर। लेवल्स ऑफ केयर क्या होता है? इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर लेवल्स की बात करेंगे। टू डिलीवर द हेल्थ केयर टू ऑल वुमेन फॉर चाइल्ड बियरिंग एज, जो वुमेन्स की चाइल्ड बियरिंग एज होती है उनमें क्या हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड बियरिंग एज क्या होती है। तो जो रेंज है वो चाइल्ड बियरिंग एज की वो 15 to 25 ईयर मानी जाती है, पर बेस्ड एंड बायोलॉजिकल ऑप्टिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 20 to 35। ठीक है, क्योंकि बिफोर ट्वेंटी और अबव 35 ईयर एज में प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेस्ट जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है वो 20 to 35 होती है, लेकिन लेकिन इसकी जो रेंज है वो 15 to 45 रखी गई है। ठीक है, जिसमें अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, सभी प्रेग्नेंट वुमेन को इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर देना, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड इमरजेंसी वेन एवर नीडेड। ओके, देन देखते हैं इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ पे होती है, ये विलेज लेवल पे हो सकती है ना, या फिर कहाँ हो सकती है, लो रिस्क केसेस, जहाँ पे जो लो रिस्क केसेस हैं वहाँ पे ये इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर दी जा सकती है। ठीक है, बट WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हाई रिस्क केसेस के लिए रेफरल सिस्टम बनाए गए हैं। जो ऑब्स्टेट्रिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि ANM, TBA या फिर मेडिकल ऑफिसर या जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रिस्क केसेस का असेसमेंट करके उनको रेफरल लेवल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब जो रेफरल लेवल हॉस्पिटल होते हैं वो उन हाई रिस्क केसेस को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। द ऑब्स्टेट्रिकल केयर टू बी प्रोवाइडेड एट डोर स्टेप फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन बाई फील्ड स्टाफ। दो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर होती है, इसको आप प्राइमरी लेवल पे मान सकते हो, क्योंकि इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, स्टाफ, जो फील्ड स्टाफ होते हैं, वो एवरी प्रेग्नेंट वुमेन के घर घर जाकर उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट शुड बी क्लोज टू विलेज। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो जो वो विलेज के पास में होनी चाहिए, और व्हीकल शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। गवर्नमेंट व्हीकल है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटी एट PSC शुड इंक्लूड MTP। PSC लेवल पे भी MTP की फैसिलिटी होनी चाहिए। देन देखते हैं मिनिमम केयर एट फर्स्ट रेफरल सेंटर। तो जो फर्स्ट रेफरल सेंटर है उसको हम वो सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें उन केसेस का को रेफर किया जाता है जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग लेबर या फिर ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड में सीरियस डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। ठीक है,
All pregnant women should be registered at first trimester at PSC level regular antenatal clinic. जो सभी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको पीएससी लेवल पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए. हाई रिस्क पेशेंट टू बी स्क्रीन्ड फॉर फर्दर हायर लेवल रेफरल, ताकि जो हाई रिस्क केसेस हैं उनका अच्छे से असेसमेंट हो सके और उनको हायर लेवल पे ट्रांसफ़र किया जा सके. ठीक है, और तो उनमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, फर्स्ट रेफरल हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे वेइंग मशीन, हाइट मेजरमेंट के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेप, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर, डॉपलर. ठीक है, ये सब फैसिलिटीज होती हैं. और फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशन प्रेग्नेंट वुमेन का, है ना. ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जैसे हीमोग्लोबिन लेवल या ब्लड ग्रुप चेक करना, ठीक है, और यूरिन में यूरिन एल्बुमिन लेवल, शुगर लेवल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड फैसिलिटीज फॉर इम्यूनाइजेशन. ठीक है, मदर का एंड नियोनेट या फिर इन्फेंट का इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज, फैसिलिटीज नीडेड फॉर डिलीवरी एंड परिप्यूरियम. अगर यहाँ पे जो फर्स्ट रेफरल सेंटर है यहाँ पे अगर डिलीवरी होती है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए होती है, लेबर रूम, ठीक है, लेबर रूम वेल वेंटिलेटेड, क्लीन एंड वेल लाइटेड लेबर रूम होना चाहिए ना, और लेबर बेड, लेबर बेड अच्छे से एडजस्टेबल लेबर बेड होना चाहिए. ठीक है, सक्शन मशीन एंड सक्शन अपैरेटस होना चाहिए, ओटू सप्लाई, ओटू ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होना चाहिए, ओटू सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए, लेबर ट्रे विद ऑल इंस्ट्रूमेंट. तो लेबर ट्रे होती है उसमें सभी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, जैसे स्टेराइल लीलन एंड सो एंड कोर्ड क्लैंपर, कोर्ड कटिंग सीजर्स, स्टेराइल थ्रेड, ठीक है, गोज पीस, स्टेराइल पैड्स वगैरह ये अवेलेबल होना चाहिए. और क्या होना चाहिए, सोप, एंटीसेप्टिक्स, ये सब, ठीक है, एंड एक एपिजियोटोमी ट्रे होती है जिसमें कि एपिजियोटोमी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए एंड सूचर मटेरियल होना चाहिए उसमें. ठीक है, और अगर फोरसेप्स डिलीवरी हो रही हो तो फोरसेप्स आउटलेट फोरसेप्स अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया होना चाहिए और कुछ एसेंशियल ड्रग्स भी उसमें होने चाहिए. ठीक है, और सक्शन अपैरेटस फॉर एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी सक्शन अपैरेटस अवेलेबल होना चाहिए एंड रिससिटेटिव मेजरमेंट भी होने चाहिए. ठीक है, देन अब इसमें देखते हैं केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन लेबर रूम. और डिलीवरी के बाद में न्यूबॉर्न की केयर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे रेडिएंट फॉर्मन या प्रीवॉर्म लीलन, ओटू सोर्स, सक्शन अपैरेटस, ड्रग्स, ओके, जैसे या फिर फॉर सक्शनिंग के लिए, फॉर रिससिटेशन के लिए, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, टू एस्टेब्लिश नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. ठीक है, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए एंड उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए. एंड उसके रिससिटेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एम्बुबेग,
लेरिंगोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब, म्यूकस सक्सर, सक्सन मशीन, स्कार्प वेल, निडल, ओटू सिलेंडर, क्रेडल्स, ये होनी चाहिए ना। और जो जो वो फर्स्ट रेफरल सेंटर या फिर पेरिफेरल हेल्थ सेंटर का जो डॉक्टर होता है वो अच्छे से रिससिटेशन के लिए ट्रेंड होना चाहिए फॉर न्यूबॉर्न, ठीक है। और उसमें साथ में ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। और उसमें एमटीपी की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड इसमें पोस्ट नेटल पीरियड में क्या क्या फैसिलिटी होती है कि केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न, मदर की केयर होनी चाहिए अच्छे से, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होना चाहिए मदर का, और न्यूबॉर्न की केयर होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, है ना, उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड करना चाहिए न्यूबॉर्न को, एंड इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। एंड इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए बेबी के लिए एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज फॉर मदर के लिए इसमें होती है, ओके। देन अब देखते हैं कि मिनिमम केयर एट सेकेंडरी रेफरल सेंटर, सेकेंडरी रेफरल सेंटर पे क्या क्या मिनिमम केयर होती है कि वो देखते हैं इसमें। तो सेकेंडरी रेफरल सेंटर्स किसको बोल सकते हैं अपन, मेडिकल कॉलेजेस को या फिर सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स को बोल सकते हैं कि जिसमें 1,000 से 2,000 डिलीवरीज 1 ईयर में कंडक्ट हो जाती हैं। इन इनमें क्या क्या स्टाफ की नीड होती है, जैसे वेल ट्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड एनेस्थेसिस्ट। एंड देखते हैं इसमें, देखते हैं एंटीनेटल केयर। अब इसमें एंटीनेटल केयर कैसे दी जाती है, फॉर द केयर ऑफ हाई रिस्क पेशेंट एंड आइडेंटिफाइड द हाई रिस्क पेशेंट विद रेगुलर एंटीनेटल क्लिनिक शुड बी हेल्ड एट लीस्ट 1 a week। इसमें क्या होता है कि जो एंटीनेटल क्लिनिक्स का आयोजन किया जाता है 1 a week, ठीक है, किस लिए किया जाता है कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उनकी केयर करने के लिए, ठीक है। तो जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनकी केयर कैसे की जाएगी, इसमें उनको प्रॉपर फैसिलिटी देंगे। तो फैसिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, उनकी मीजरिंग हाइट वेट एंड उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि उनका HB लेवल देखना, ब्लड ग्रुप, RS फैक्टर, ठीक है, उनके या शुगर लेवल, यूरिन एग्जामिनेशन करना एल्बुमिन शुगर के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है। और अगर अगर नीड हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटीज़ भी वहाँ अवेलेबल होती है। देन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं अब इस लेवल पे कि अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो हाई रिस्क मदर हैं या फिर हाई रिस्क फीटस हैं, उनके असेसमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है ताकि अच्छे से फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो तो उसको मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। और इंट्रा यूटेरिन फीटल वेलबींग के लिए डॉपलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर नीड हो तो इसमें एमनियोसेंटेसिस जैसे प्रोसीजर्स भी कंडक्ट होते हैं। देन इसमें देखते हैं इंटरनेटल केयर क्या होती है। इंटरनेटल केयर में लेबर रूम एंड OT4 प्रोसीजर्स, इसमें वेल इक्विपाइड लेबर रूम एंड ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें कि
क्या क्या फैसिलिटीज होती है जिसमें कि कुछ प्रोसीजर्स की जो कंडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी हुआ, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, एमटीपी, ट्यूबल स्टरलाइजेशन, या अदर जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन होते हैं वो उसमें कंडक्ट किए जाते हैं। और इनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं? बोयल्स अपैरेटस, बोयल्स अपैरेटस क्या होता है? एनेस्थीसिया मशीन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, ठीक है, और जो कंप्लीट रिससिटेशन के लिए मेजरमेंट होते हैं वो सब इसमें अवेलेबल होते हैं। देन इसमें देखते हैं पोस्ट डिलीवरी केयर। पोस्ट डिलीवरी केयर में इसमें क्या अवेलेबल होता है कि हाई रिस्क डिलीवरी विद कैप्ड 5 to 7 days। जो हाई रिस्क डिलीवरीज होती हैं उनको 5 to 7 days के लिए हॉस्पिटल में ही स्टे करवाया जाता है ताकि उनका प्रॉपर असेसमेंट हो सके, ठीक है, और फॉलो अप इन पोस्टनेटल पीरियड विद प्रोवाइड एजुकेशन। एंड उसके बाद में इनका पोस्टनेटल क्लिनिक्स में एंड या फिर होम विजिटिंग के थ्रू इनको प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे डाइट के अकॉर्डिंग या फिर पर्सनल हाइजीन या फिर एक्सरसाइज, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इससे इससे रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उन हाई रिस्क पेशेंट्स को। एंड लेटर आफ्टर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर लेवल देखा हमने हाई रिस्क पेशेंट्स का, जिसमें फर्स्ट इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर, जिसमें कि पेशेंट के होम लेवल पे ही या फिर सब सेंटर्स पे उसको केयर प्रोवाइड, क्या क्या केयर प्रोवाइड की जा सकती है वो सब, ठीक है। सेकेंड देखा फर्स्ट रेफरल सेंटर्स पे, फर्स्ट रेफरल सेंटर्स पे जो हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, एंड डिलीवरीज एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। एंड थर्ड सेकेंड रेफरल सेंटर्स पे जो और भी हाई रिस्क केसेस हैं, है ना, उनको कैसे प्रोवाइड केयर प्रोवाइड करेंगे, उनका कैसे एंटीनेटल केयर होगा, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर कैसे होगा, कैसे उस न्योनेटल की केयर होगी, वो सब हमने देखा।